अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राइटर बे की पेमेंट प्रूफ के बारे में। राइटर बे पे पेमेंट आपको किस तरह मिलती है और आप यहाँ पे पर पेज के हिसाब से कितना कमा सकते हैं अगर आप एक रेगुलर राइटर हैं या फिर आप एक एडवांस राइटर हैं। तो इस वीडियो में आपको राइटर बे पे पेमेंट विड्रॉ करवाने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म भी बताऊँगी जहाँ से आपके जो है वो पैसे भी कम कटेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं जी राइटर बे के बारे में और राइटर बे के पेमेंट के बारे में। तो इस वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया और पेमेंट पर मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा जी, थोड़ा सा इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं कि राइटर बे आपको जो है ना मंथ में दो दफ़ा पेमेंट करता है, एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ एंड इन द मिडल 16 और 20 ऑफ एवरी मंथ। मतलब कि मंथ में दो दफ़ा आपको पेमेंट करता है राइटर बे, फर्स्ट और फाइव के दरमियान और 16 और 20 के दरमियान। ठीक है जी, उसके बाद जो है द मनी इज रिटर्न ऑफ ओनली इफ राइटर बैलेंस एक्सीड $100 विद पेमेंट डिटेल प्रोवाइडेड एडवांस। इफ राइटर चूज टू स्टॉप वर्किंग फॉर राइटर बे द आउटस्टैंडिंग बैलेंस विल बी रिलीज टू द राइटर। If your account balance does not exceed $100, the balance remain on your account and get carried over to the next payout. अच्छा, यहाँ पे जो आपका विड्रॉ होता है राइटर बे पे वो $100 का होता है। $100 से अगर आपके पैसे कम है तो आपका जो है ना वो विड्रॉ यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर पेमेंट इन्फॉर्मेशन यू विल हैव टू पास द वेरिफिकेशन प्रोसीजर एंड प्रोवाइड अस विद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अच्छा जी, आप इनका देख लेते हैं पेमेंट मेथड क्या है जी। सबसे पहले इनका पेमेंट मेथड जो है वो वेब मनी है। वेब मनी में आपने जो है अगर इस पेमेंट मेथड को यूज़ करते हैं, मैं आपको ये बता दूं जितने भी पेमेंट मेथड होते हैं वो अपना कमीशन लाजमी रखते हैं। तो वेब मनी अगर आप यूज़ करेंगे तो 5% कमीशन ये लोग आपका रखेंगे आपकी पेमेंट में से। उसके बाद है जी हाइपर वॉलेट। हाइपर वॉलेट में आगे तीन प्रोसीजर्स हैं। पेपॉल आता है, बैंक ट्रांसफ़र आता है और वायर ट्रांसफ़र आता है। अगर आप पेपॉल को यूज़ करेंगे तो आपका 0.75% कमीशन ये लोग पेपॉल वाले काटते हैं। और अगर आप बैंक को यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट भी जो है ना वो अटैच कर सकते हैं, तो आपका $2 से $20 जो है ना वो आपका कमीशन कटेगा यहाँ पे अगर आपकी पेमेंट बैंक में आती है। उसके बाद अगर आप वायर ट्रांसफ़र को भी यूज़ करते हैं तो $20 कमीशन होगा पर ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट बेस्ट और रिलायबल मेथड जो मैंने आपको पहले बताया है, प्योनियर बेस्ट पेमेंट मेथड है राइटर बे पे। जस्ट प्योनियर राइटर बे पे नहीं है, जितनी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं अगर आप उनको यूज़ करते हैं और उन पर काम करते हैं तो उनके लिए प्योनियर बेस्ट प्लेटफॉर्म है पेमेंट विड्रॉ करवाने का। अच्छा, अब प्योनियर पे भी आप दो तरीके से पेमेंट जो है ना वो विड्रॉ ले सकते हैं। अब आप पेमेंट जो होती है प्योनियर में आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी ले सकते हैं और प्योनियर प्रीपेड मास्टर कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू करेंगे तो आपका 2% यहाँ पे 2.99% आपका पर ट्रांजेक्शन पे आपके पैसे कटेंगे। ठीक है, और अगर आप प्योनियर मास्टर कार्ड यूज़ करते हैं तो आपका 0 कमीशन होगा, मतलब यहाँ पे आपके पैसे नहीं कटेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं जी अब यहाँ पे एवरेज पेमेंट रेट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो राइटर्स होते हैं वो ज़्यादा रेगुलर ही होते हैं। ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं न्यूबीज राइटर, जो भी नया काम करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर कोई न्यूबीज राइटर है ठीक है और उसकी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है राइटिंग की, तो हम देखते हैं उसको कितना पे करता है राइटर पे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने पेजेस लिखते हैं पर डे के हिसाब से। अगर आप जो है यहाँ पे एक पेज जो है ना वो राइट करेंगे और एक दिन काम करेंगे, मंथ के एक दिन काम करेंगे और एक पेज राइट करेंगे, तो आपको $1 जो है ना वो पे किया जाएगा। उसके बाद अगर आप जो है ना टू पेजेस लिखते हैं एक दिन के, तो आप $17 जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। जैसे जैसे आप डेज बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से आपके डॉलर जो है ना वो इंक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट है जी अगर आप थ्री पेज लिखते हैं पर डे के, तो आपको $25 जो है ना वो पे किए जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको अपने जो है राइटिंग के डेज बढ़ाते जाएंगे उतने हिसाब से आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। लाइक जिस तरह मैं यहाँ बता रही हूँ कि मंथ में मैंने मंथ के 10 डेज मैंने काम किया है और मैंने जो है ना वो 3 पेजेस राइट डाउन किए हैं पर डे के। पर डे मैंने 3 पेजेस लिखे हैं 10 दिन, तो मेरा $255 जो है ना वो आप यहाँ पे कमा सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं जी, एडवांस अगर वो है राइटर है तो उसको कितना पे किया जाएगा। अगर एडवांस राइटर है तो उसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं, उसको कितना पे किया जाएगा। अगर उसने जो है एक पेज राइट डाउन किया है और एक दिन काम किया है तो उसको $9 पे किया जाएगा एक पेज का। फिर उसके बाद जो है उसने 2 दिन काम किया है और मतलब 2 पेजेस लिखे हैं एक दिन के, तो उसको $18 पे किया जाएगा। लेकिन अगर उसने 2 दिन काम किया है तो $37 जो है ना वो एडवांस राइटर अर्न कर सकता है। तो जैसे जैसे आप मूव ऑन करते जाएंगे तो यहाँ पे आपके डॉलर जो है ना बढ़ते जाएंगे डेज के हिसाब से। अब ये इसका जो है ना वो ये आप ये कह सकते हैं इसका रेसिप्रोकल वाला प्रोपोर्शन वाला हिसाब है। जितने डेज आप काम करते जाएंगे, इधर से डेज बढ़ाते जाएंगे काम के, इधर से पेजेस बढ़ाते जाएंगे, आपके डॉलर ऑटोमेटिक जो है ना वो इंक्रीज होते जाएंगे। उसके बाद $187 जो है वो एडवांस अगर आप 4 डेज काम करते हैं और मंथ के 5 डे काम करते हैं, ठीक है। अगर आप मंथ के 6 डे काम करते हैं और 4 पेजे लिखते हैं डेली के, तो आप $224 अर्न कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्रो। अब प्रो पे यहाँ पे सिस्टम होता है कि यहाँ के आपकी इनकी बहुत ज़्यादा जो होती है ना वो सर्विसेज, अगर आप बाय कर लेते हैं या प्रो सर्विस इनके यूज़ करते हैं तो आपको जो है ना 4 पेजेस अगर आप लिखेंगे तो आपको पर मंथ के हिसाब से कितने पैसे मिलेंगे, $322 मिलेंगे। उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 10 पेजेस लिखते हैं प्रो के अंदर, ठीक है, 10 पेजेस लिखते हैं और यहाँ पे आपने वर्क भी जो है ना वो 10 डे किया है, मंथ के 10 डे काम किया, तो 130 मतलब $1,000+ जो है ना वो आप अर्न कर सकते हैं अगर आप इनकी प्रो वाली सर्विस यूज करते हैं, ठीक है। जितने डेज बढ़ाते जाएंगे उतने आपके पैसे जो है ना यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। अगर आप मंथ के 15 डेज भी काम करते हैं तो आप जो है ना वो $2,000+ भी अर्न कर सकते हैं अगर प्रो के सर्विस यूज करते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं जी, द मेंशन डेट्स आर अप्रोक्सीमेट्स एज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेडलाइन एंड द असाइनमेंट स्पेसिफिक सच एज सब्जेक्ट सब्जेक्ट और रिक्वायर्ड एकेडमिक लेवल। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ मैटर करती है कि आपकी जो पेमेंट होती है ना, ये जो इन्होंने यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई गई है, लेकिन इससे पैसे बढ़ भी सकते हैं, इससे पैसे कम भी हो सकते हैं। वो किस तरह बढ़ सकते हैं, वो इस तरह के अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट है वो आप डेडलाइन पे सबमिट करवाते हैं, इस पे आपको पैसे जो है ना वो अच्छे मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं उन सब लाइक जिस तरह सब्जेक्ट में फाइनेंस आ गया, मैथ आ गया, इंजीनियरिंग आ गया, अगर आप इन टॉपिक्स पे लिखते हैं तो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू ये देते हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इस पे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, इंजीनियरिंग, मैथ और फाइनेंस। फाइनेंस पे इन सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिलता है अगर आप फाइनेंस के टॉपिक पे लिखते हैं तो। और थर्ड है अगर आपका रिक्वायर्ड एकेडमिक लेवल जो है ना वो अच्छा है, उस हिसाब से भी आपको अच्छा खासा रेवेन्यू, लाइक जिस तरह यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की है और अगर आप मास्टर हैं या PhD है तो उस हिसाब से भी आपको ज़्यादा पे किया जाता है, आपके पास इतना ज़्यादा एडवांस नॉलेज होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपने पेमेंट किस तरह विड्रॉ लेनी है, उसके बाद आप कितना अर्न कर सकते हैं पर डे के हिसाब से और पर पेजेस के हिसाब से, और अपने एक्सपर्टीज लेवल के हिसाब से आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरे आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।